नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लेकर आगे बढ़ रही है और उसी तरह से तैयारियां कर रही है। पहली लिस्ट जारी हो चुकी है और दूसरी लिस्ट का अब इंतजार किया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही ये लिस्ट सामने आएगी और बताया जा रहा है कि 100 उम्मीदवारों के नाम इस बार दूसरी लिस्ट में रह सकते हैं। लेकिन कई नेताओं के, जो मौजूदा सांसद हैं, कई ऐसे नेता हैं, उनकी टेंशन इस बीच बढ़ी हुई है। बड़ी इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट काट सकती है, उनका पत्ता साफ किया जा सकता है आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। ऐसे में वो कौन से नाम है, वो कौन से दिग्गज हैं जिनका पत्ता कटने की संभावना है, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं। सबसे पहला नाम इस लिस्ट में मेनका गांधी का बताया जा रहा है। सुल्तानपुर से वो चुनाव लड़ी थी पिछली बार और उन्होंने जीत हासिल की थी। अपने क्षेत्र में वो काम करती रहती हैं, उनका नाम हमेशा इस चीज के लिए जाना जाता है। लेकिन गांधी परिवार से आने वाली मेनका गांधी का पत्ता इस बार भारतीय जनता पार्टी साफ कर सकती है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि मेनका गांधी हो सकता है कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ती हुई नजर आए। हालांकि ये सब अटकलें हैं, जब लिस्ट सामने आएगी तो ही पता चलेगा कि मेनका गांधी को फिर से दोबारा टिकट दिया जाता है सुल्तानपुर से, या फिर उनकी सीट बदली जाती है, या फिर उनको टिकट नहीं दिया जाता है। ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन संभावना ये है। अटकलों का दौर लगातार चल रहा है। मेनका गांधी का नाम इस लिस्ट में सबसे आगे है कि उनका पत्ता साफ किया जा सकता है और इसकी एक बड़ी वजह उनके बेटे हैं। जी हाँ, अगला नाम इस लिस्ट में वरुण गांधी का ही है। पीलीभीत से वो सांसद है और उनका पत्ता भी साफ किया जा सकता है उनकी माँ के साथ में। वरुण गांधी की वजह यह है कि वो पिछले 5 सालों में लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते रहे हैं और अपनी सरकार के क्रियाकलापों को लेकर सवाल खड़े करते रहे हैं और मुखर तौर पर, सार्वजनिक तौर पर उन्होंने इन सारी बातों का जिक्र किया है। जब जब उन्होंने इस तरह से अपनी सरकार पर सवाल खड़े किए तो लोग यही कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें टॉलरेट कैसे कर रही है। आखिरकार वो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, कई बार सरकार के जो कामकाज होते हैं उसको लेकर वो सवाल खड़े करते हैं, फिर भी उनको क्यों रखा गया है, अभी तक वो पार्टी में क्यों है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व इतना मजबूत है कि उसके खिलाफ आम तौर से कोई नहीं बोल सकता, ये सब जानते हैं। ऐसे में वरुण गांधी किस तरह से बोल पा रहे हैं? और अब जब चुनाव का वक्त आ गया है तो दूसरी लिस्ट में उनका नाम नहीं हो सकता, उनकी सीट पर हो सकता है किसी और का नाम हो, पीलीभीत सीट पर किसी और का नाम दिया जा सकता है और वरुण गांधी का भी पत्ता, मेनका गांधी अपनी माँ की तरह काटा जा सकता है। इस लिस्ट में तीसरा नाम है बृजभूषण शरण सिंह का। कैसरगंज से चुनाव लड़ते हैं और अब तक दमखम दिखाने वाले नेता हैं। हालांकि पिछले दिनों जब उन पर रेसलर्स ने तमाम आरोप लगाए तो ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी कोई एक्शन लेगी बृजभूषण के खिलाफ, लेकिन कोई एक्शन तो नहीं लिया गया, केंद्रीय नेतृत्व तो उनके साथ खड़ा नजर आया। हालांकि इस बार ये जो रेसलर्स वाला कांड हुआ है, जो उन पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने जो रेसलर्स थी, महिला रेसलर्स थी, उनके साथ किस तरह से बदसलूकी की या फिर उनका यौन शोषण किया, ये तमाम आरोप है, मामला कोर्ट में भी है, लेकिन इनका पत्ता भी साफ किया जा सकता है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि हम पुख्ता नहीं कह रहे हैं कि इनका टिकट कट जाएगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इनका टिकट काटा जा सकता है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अवध ओझा को टिकट दे सकती है इनकी सीट पर और चुनाव लड़ा सकती है। और अटकलें ये भी हैं कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर बृजभूषण शरण सिंह चुनावी मैदान में दिख सकते हैं, यानी कि खेल जो है उलट पुलट होता हुआ नजर आएगा। हालांकि लग नहीं रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटा जाएगा क्योंकि उन पर तमाम आरोप लगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उनके साथ लगातार खड़ा नजर आया। बावजूद इसके कहा जा रहा है कि पत्ता साफ हो सकता है बृजभूषण शरण सिंह का भी। इसके अलावा वीके सिंह गाजियाबाद से सांसद हैं, मौजूदा केंद्रीय मंत्री भी हैं, इनका टिकट भी साफ किया जा सकता है और इन्हें भी इस बार टिकट नहीं मिल सकता है, हो सकता है इनकी सीट पर कोई और टिकट लड़ता हुआ नजर आए। तो ये 4 बड़े दिग्गज हैं जिनका हमने जिक्र किया कि इनका टिकट कट सकता है। इसमें मेनका गांधी, वरुण गांधी, बृजभूषण शरण सिंह और वीके सिंह का नाम है। इसके अलावा भी कई नाम हैं जिनका टिकट कट सकता है। पूर्व सीएम और बेंगलुरु उत्तर से सांसद रहे सदानंद गौड़ा का टिकट कट सकता है, ये कहा जा रहा है। इसके अलावा हावेरी से सांसद शिवकुमार उदासी, इनका टिकट कट सकता है। दावणगेरे से सांसद जीएम सिद्धेश्वर, इनका भी पत्ता साफ किया जा सकता है, इनको दोबारा टिकट नहीं दिया जाएगा, ये अटकले हैं। इसके अलावा बात करते हैं बीजापुर से सांसद रमेश जिंगानी, इनका टिकट भी कट सकता है। चिकबल्लापुर से सांसद हैं बीएन
बच्चे गौड़ा, ये भी शायद इस बार चुनाव लड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नजर ना आए। इसके अलावा बेलगाम से सांसद मंगला अंगाड़ी, तुमकुर से सांसद जीएस बसवराज, चामराजनगर से सांसद है वी श्रीनिवास प्रसाद, इन तमाम लोगों के टिकट कट सकते हैं। इसमें एक नाम और है, बेल्लारी से सांसद वाई देवेंद्रप्पा का, उत्तर कन्नड़ से सांसद अनंत कुमार हेगड़े का, ये तमाम नाम है जिनके पत्ते कट सकते हैं। इस बार ये संभावनाएं जताई जा रही हैं। दूसरी लिस्ट अभी तक आई नहीं है, लेकिन दूसरी लिस्ट आएगी तो हो सकता है इन सभी जो सीटें हैं जिन पर मौजूदा सांसद हैं उनके नाम नजर ना आए। इसके अलावा कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने चुनाव से पहले ही दूरी बना ली, इलेक्शन में वो गए नहीं, बावजूद इसके उन्होंने पहले ही कह दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। कईयों ने संन्यास ले लिया और कईयों ने कहा कि हम अपनी अपनी वजहों से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस लिस्ट में एक नाम बाराबंकी से सांसद उपेंद्र सिंह रावत का भी है। उनका भी हाल ही में एक वीडियो लीक हुआ किसी महिला के साथ, जिसके बाद उन्होंने स्वेच्छा से ये कहा कि मैं जब तक ये जो आरोप मेरे ऊपर लगे हैं इस तरह के, वो जब तक नहीं हट जाते हैं तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आऊंगा। तो उन्होंने खुद ही अपना जो पैर है वो पीछे खींच लिया, चुनाव से उन्होंने इनकार कर दिया। इन्हें हालांकि टिकट मिल गया था। पूर्व डीसीएम डिप्टी सीएम रहे नितिन पटेल, गुजरात की बात कर रहा हूं मैं, पूर्व डिप्टी सीएम रहे नितिन पटेल ने महसाड़ा से अपनी दावेदारी वापस ले ली, वो भी चुनाव में नहीं गए और चुनाव से पहले ही उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। दिल्ली से सांसद हैं गौतम गंभीर, उन्होंने चुनाव की जब पहली लिस्ट नहीं आई थी उससे पहले ही, कुछ घंटे पहले ही उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी थी कि मैं नहीं लड़ूंगा, इलेक्शन में नहीं जाऊंगा, और भारतीय जनता पार्टी जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको उन्होंने धन्यवाद भी किया था। इसके अलावा झारखंड से सांसद जयंत सिन्हा, उन्होंने संन्यास ले लिया, उन्होंने भी इस बात की घोषणा कर दी। दिल्ली से ही सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने टिकट कटने के बाद संन्यास ले लिया, यानी कि जब घोषणा हो गई, पहली लिस्ट आ गई, उसके बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने संन्यास की घोषणा की। इसी तरह से एक नाम इस लिस्ट में पवन सिंह का भी है, पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से उन्हें टिकट दिया गया और बड़ा ही ड्रामेटिक हो रहा है पवन सिंह के साथ। अभी खबर ये भी आ रही है कि वो इस बार कह रहे हैं कि हम फिर से चुनाव लड़ेंगे। पहले उन्हें टिकट दिया गया आसनसोल से, पश्चिम बंगाल की सीट से, फिर इनके कुछ गाने जो उन्होंने पहले बनाए हुए थे पवन सिंह ने, वो बंगाल को लेकर, बंगाल की महिलाओं को लेकर बनाए गए थे, इसको लेकर उनकी ट्रोलिंग हुई और 24 घंटे कुछ इस तरह से ट्रोलिंग हुई कि 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने अपने कदम पीछे खींचे और कहा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। इसके बाद जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए वो दिल्ली भी पहुंचे और फिर उन्होंने कहा जो कुछ होगा ठीक होगा, अच्छा होगा, और अब खबर यह आ रही है कि वो एक बार फिर से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। हालांकि वो आसनसोल से ही टिकट लेकर चुनाव में उतरेंगे या फिर किसी और सीट से, कहा जा रहा है बिहार, झारखंड या यूपी की कोई सीट हो सकती है जहां से वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए स्थिति ये थी कि उन्होंने भी 24 घंटे के अंदर ही अपने कदम पीछे खींच लिए थे जब उनका नाम अनाउंस किया गया था। तो ऐसे में वो आगे क्या करेंगे देखना दिलचस्प रहेगा। तो ये तमाम नाम हैं जिन्होंने या तो खुद ही अपने कदम पीछे खींच लिए हैं या फिर उनके टिकट अनाउंस होने के बाद उन्होंने अपने कदम पीछे खींचे गए हैं, या फिर जो दूसरी लिस्ट आने वाली है उसमें उनके नाम नहीं होंगे, उनका टिकट कट सकता है, ये कहा जा रहा है। अभी तक की स्थिति यह है कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहली लिस्ट जारी हो चुकी है, 195 उम्मीदवारों को भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतार चुकी है। इसके अलावा दूसरी लिस्ट जल्द ही जारी हो सकती है, हो सकता है शाम तक या फिर कल तक वो लिस्ट जारी हो जाए और इस लिस्ट में 100 उम्मीदवार हो सकते हैं जिनके नाम की घोषणा भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। लेकिन दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और तमाम नेता इस कश्मकश में है कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो वो किस तरफ जाएंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर मैंने जिक्र किया कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है उनकी सीट पर अवध ओझा को मौका दे दे, अटकलें हैं लेकिन खबरें यही चल रही हैं कि हो सकता है ऐसा हो। इसके अलावा वरुण गांधी हो गई या फिर मेनका गांधी हो गई, ये किधर जा सकते हैं? क्या मेनका गांधी कांग्रेस की तरफ जा सकती हैं? उम्मीद बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है कि वो मेनका गांधी कांग्रेस की तरफ जाएं, और वरुण गांधी भी हो सकता है कि वो भी ना जाएं कांग्रेस की तरफ, लेकिन निर्दलीय तौर पर कांग्रेस का साथ लेकर वो चुनाव लड़ सकते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, तो ये स्थिति बन सकती है। तो इन तमाम लोगों की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और परेशान हैं कि आखिरकार दूसरी लिस्ट में उनका नाम होगा या नहीं होगा, अब देखने वाली बात होगी
इनका नाम रहता है या नहीं रहता है, और अगर नहीं रहता है तो फिर ये लोग क्या करते हैं। आपको क्या लगता है इस पूरी वीडियो को देखने के बाद हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।